नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द्वेदिक कॉलेज में। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं BHIC 134 के चैप्टर्स को, और हम कोशिश करेंगे कि ये कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म करें और हर चैप्टर को हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मोर देन इनफ होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप एक बार बुक पढ़ लेंगे तो वो तो बेस्ट होगा, और सारा का सारा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखो, हम लोग उस हर टॉपिक को कवर करेंगे जो भी आपको डाउटफुल होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है इंटरप्रेटिंग द 18th century। अच्छा, ये लेक्चर जो मैं बना रहा हूँ ये वैसे तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरे जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा वो इंग्लिश के होंगे। तो ये टारगेट ऑडियंस मेनली इंग्लिश वाले हैं, बट हिंदी वालों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है अगर वो थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड समझते हैं तो। ठीक, तो इंटरप्रेटिंग द 18th century, हम लोग 18th century के बारे में बात करेंगे कि 18th century को हम किस तरीके से देखते थे, है ना। अब मेरे को 18th century बोलने की समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आई गेस आप लोगों को पता है 18th century मतलब 1700 से लेकर के 1800 के बीच के पीरियड को हम 18th century बोलेंगे। ठीक है, अब देखो 18th century जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरियंस के बीच में चर्चा में रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इस पीरियड में इतना कुछ हुआ है छोटे से पीरियड में 100 साल में, कि जिसने पूरा भारत का इतिहास बदल डाला और बहुत ही लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट रहा है। ठीक, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 17th century के, देखो 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, और हम सब जानते हैं औरंगजेब तक जब तक राज कर रहा था वो कितना ज़बरदस्त पावरफुल किंग था, और मुगल अम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तब तक, है ना। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है, और अचानक हम देखते हैं कि विद इन स्पैन ऑफ 30 ईयर्स ना तो कई सारे किंग्स गद्दी पर बैठते हैं और मर भी जाते हैं, मार दिए जाते हैं फैक्शनल लड़ाई के कारण। जो उनके कोर्ट में लड़ाई चल रही थी ना, नॉवल्स वगैरह थे उनके आपस में लड़ाई थी, कभी वो इसको गद्दी पर बैठाते कभी उसको गद्दी पर बैठाते थे, फिर साजिश रच के मार भी दिया कईयों को, है ना, हमने बहुत सारा देखा। और लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि बहुत सारी अच्छाइयाँ भी इस पीरियड में हुई हैं। ठीक, और हम देखते हैं कि एक छोटी सी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर ट्रेड करने आई थी मसाला वसालों का, वो डायरेक्टली पावर में आ जाती है 1757 आते आते, और 1764 आते आते तो इतना हो जाती है पावरफुल कि वो अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना लेती है, और साथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो चालू हो ही जाता है उसका पूरा, और साथ में उसने अपना कमर्शियल जो करने आई थी उसका यूज़ करने, उस कमर्शियल काम के लिए पॉलिटिकल पावर को यूज़ करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये विद इन 50-60 साल के जो पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा हम देखते हैं चेंजेस आते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि देखो 1739 में नादिर शाह आया, फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली आया, है ना। दूसरी तरफ मराठास भी पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, आप देखते हो पेशवास वगैरह के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, उन लोगों ने पूरा महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक पहुँच चुके थे वो लोग पावर में, है ना, कई एरियाज को जीत चुके थे वो, साउथ वगैरह में बहुत एरियाज पे उनका कब्जा था, कर्नाटका वगैरह में, इवन आपका आंध्रा वगैरह में भी था, इवन तमिलनाडु तक पहुंच चुके थे वो पावरफुल में, कब्जा कर चुके थे बहुत ज़्यादा। तो जाट्स मराठास बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने में पावरफुल में आ जाते हैं 18th century में। और दूसरी तरफ जो वॉरियर पीजेंट ग्रुप्स थे जैसे जाट, रोहिल्ला, सिख्स वगैरह, ये लोग भी अपना ज़बरदस्त तरीके से अपने अपने रीजन में एक पकड़ बना लेते हैं औरंगजेब की डेथ के बाद। और हम देखते हैं कि देखो 1757 के बाद फिर देखो अहमद शाह आलम इन दोनों को तो अंधा ही कर दिया गया था, और एक तीसरा जो किंग था आलमगीर टू उसको तो इन नॉबल्स ने मरवा भी दिया था, है ना। वो हिस्ट्री अभी हम आगे और पढ़ेंगे ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में, आप देखोगे कि हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे, किन किन ने मारा था और कौन कौन से नॉबल्स थे, कौन कौन पावरफुल थे, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि 18th century के बारे में। ठीक, अब जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रीजनल पावर्स थे ना, जो नवाब वगैरह थे
वो लोग भी अपना एक अपने अपने रीजन्स में पावरफुल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पहले सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा वो सुनते थे, अब वो उतना नहीं सुनते थे, है ना। सिर्फ नाम के लिए सेंट्रल पावर रह गई थी धीरे धीरे, और जो जो रीजनल पावर्स थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, जैसे अवध का नवाब हो गए या बंगाल के निज़ाम हो गए, ये लोग बहुत पावरफुल हो चुके थे अपने अपने एरियाज़ में, ठीक। और वैसे ही मराठा, जाट वगैरह ये सब अपने अपने एरियाज में काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, इन्होंने अपना एक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट बना लिया था काउंटर करने के लिए, ठीक। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने अपने ओपिनियंस लिखे हैं, है ना। कोई देखता है इसको कि कैओस है, बहुत ज़्यादा इस पीरियड में कैओस होता रहा, कुछ इसको अलग तरीके से देखते हैं कि नहीं यार ट्रांजिशन हो रहा है चीज़ों को लेकर के, है ना। और उस ट्रांजिशन को बहुत डिटेल में वो लोग स्टडी करते हैं, लिखते हैं, कुछ सिर्फ कैओस के बारे में लिखते हैं कि अरे उस जमाने में ये कैओस हुआ। तो सबका अपना अपना नज़रिया है, आप किस तरीके से देखते हैं, आप भी पढ़ रहे हो तो आपका भी एक नज़रिया बनेगा, है ना। तो इसलिए ये जो पीरियड है ना 18th सेंचुरी का, ये बहुत ही ज़्यादा डिबेट में रहा, लाइवली डिबेट में है हिस्टोरियंस के बीच में। कोई हिस्टोरियन इसको किसी तरीके से देखता है, कोई हिस्टोरियन इसको किसी और एंगल से देखता है। तो अभी तक जितना भी लिखा गया है हम उसको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं कि हाँ किस किस क्या अभी तक राय बनी है इस पीरियड के बारे में, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक। देखो कुछ जो कैओटिक विजन रखते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो औरंगजेब जो था बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस बाइगोट्री था, धर्मांध आदमी था ना, धर्म मानता था, उसी की वजह से पूरा कैओस फैला और उसी के इंडिविजुअल जो था उसके वजह से पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया मुगल सिस्टम, ठीक। औरंगजेब को, और जब औरंगजेब अब राज कर रहा था उस जमाने में भी मराठास उनके अगेंस्ट थे, जाट्स भी थे, कुछ राजपूत भी उसके अगेंस्ट थे, इवन मुस्लिम नोबल्स भी कुछ एक अगेंस्ट में थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी अगेंस्ट में थे, कुछ एक पावरफुल राजपूत क्लैंस जो थे वो लोग लॉयल भी थे एम्पायर को, है ना, मुगल एम्पायर के साथ खड़े रहते थे हमेशा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ भाई उस जमाने में चल क्या रहा था, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस जमाने में। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पूरा का पूरा राजपूतों अगेंस्ट थे उनके, ऐसा नहीं था, कुछ थे कुछ नहीं भी थे, कुछ साथ भी देते थे उनका, ठीक। तो अब देखो कुछ एक एरियाज जो थे, अब उस जमाने में हम एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जैसे लखनऊ उभरता है उस जमाने में, हैदराबाद उभरता है उस जमाने में। अब यहाँ पे एकदम आज के जमाने में तो हम जानते ही हैं कि वो बहुत डेवलप्ड है लखनऊ हैदराबाद, लेकिन उस जमाने में धीरे धीरे जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उन्होंने इनको डेवलप करना शुरू किया था, और ये जबरदस्त उनके पैट्रोनेज के अंदर में लिटरली और कल्चरल सेंटर बन गए थे, ठीक। इसी तरीके से बनारस 18th सेंचुरी में एक बहुत ज़बरदस्त बैंकिंग एंड कॉमर्स का सेंटर बन चुका था नॉर्थ इंडिया का, और रिलीजियस एजुकेशन और पिलग्रिम सेंटर तो पहले से ही था वो, ठीक। इसी तरीके से बंगाल में एक जगह है नाडिया, वो भी संस्कृत लर्निंग का सेंटर बन गई थी, और दयाभाग हिंदू लॉ का सेंटर बन चुकी थी पढ़ाई का नाडिया, ठीक। ऐसे ही बंगाल में एक जगह है बिष्णुपुर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आर्किटेक्चरल और म्यूजिकल स्टाइल्स में वहाँ पे फ्लरिश होना शुरू होते हैं। इसी तरीके से हम साउथ में जाके देखें तो तंजौर, तंजौर एक जगह है वो मराठास के अंडर थी, और वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिलीजन, म्यूजिक, डांस का डेवलपमेंट हुआ। तो हिस्टोरियंस अब इस तरीके से नहीं देखते कि हाँ भाई औरंगजेब क्योंकि एक धर्मांध व्यक्ति था तो उस वजह से पूरा का पूरा ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, और अचानक जो था मुगल एम्पायर के बाद पूरा कैओस फैल गया, ऐसा नहीं देखते आज के ज़माने में जो हिस्टोरियंस है वो देखते हैं कि नहीं देखो हमेशा से होता है कि एक डायनेस्टी आती है, फिर चली जाती है, फिर नेक्स्ट उभरती है। तो आजकल हम लोग जो न्यू जनरेशन के हिस्टोरियंस हैं वो अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि ठीक है एक मुगल एम्पायर अपने जेनिथ तक पहुंचा, फिर उसका धीरे धीरे पतन होता है, और उसी के पैरेलली दूसरे जो है उभरती है, डायनेस्टीज तो नहीं कहेंगे बट पैरेलल सिस्टम्स उभरते हैं जो हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पे रीजन्स में उभर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग लोग, अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं, कुछ इसको स्टेट एंड सोसाइटी का रिलेशन के तरीके से देखते हैं, कुछ इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के तरीके से देखते हैं, कुछ इसको एम्पायर और लोकल्स के जो रिलेशन है उसके तरीके से देखते हैं, स्टडी करते हैं।
हर कोई अपने अपने तरीके से स्टडी करता है, और ये हमेशा से ही एक बहुत ही ज़्यादा 18th सेंचुरी जो है हिस्टोरियंस के लिए फेवरेट टॉपिक रहा है कि इसको किस तरीके से देखा जाए। ठीक, तो 18th सेंचुरी के साइलेंट फीचर्स के बारे में अगर बात करें, देखो जो भी हम बात कर रहे हैं ये क्या है कि यहाँ पे आपकी बुक में जो है वो तरीके से क्रैक्स दिया हुआ है, क्रैक्स मतलब एक समरी दी हुई है, क्योंकि हिस्टोरियंस देखो कितने सारे हैं, इंडियंस हैं, विदेशी हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज लिखे हैं, और इस बुक में आपको उन सब का एक तरीके से समरी करके बताया जा रहा है कि हाँ किसी का नाम नहीं दिया गया यहाँ। आप देखो आप किसी भी हिस्टोरियन का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि देखो इतने हिस्टोरियंस हैं, इतना सारा मेंशन करना नामुमकिन बात है, लेकिन हाँ उनके क्या चल रहा है आज की डेट में क्या है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक, अब जानते हैं हम साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी जो है उसमें ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। एक तरफ तो मुगल अम्पायर धीरे धीरे रीजनल पावर में बट रहा है ना, मुगल पावर सेंटर में तो अब नाम नाम के लिए रह गया, लेकिन जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो अब पावरफुल होती जा रही है। सेकंड जो था कि हम देखते हैं कि जो लोग, सबसे बड़ा जो चेंज हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद जो पॉलिटिकल उसका उत्थान होता है ना, पॉलिटिकल जो वो ऊपर आता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप क्या कह सकते हो कि इम्पैक्ट छोड़ता है सोसाइटी पे, है ना, और उसको देख करके सबके सब आश्चर्यचकित थे कि एक छोटी सी कंपनी जो इंडिया में ट्रेड करने आई थी वो अचानक इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसने पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लिया, और उस पॉलिटिकल पावर का यूज़ वो अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए करना शुरू कर जाती है। तो ये तो सबसे पहले एक साइलेंट फीचर है फर्स्ट, है ना। सेकेंड साइलेंट फीचर की बात करें हम, जो हिस्टोरियंस आज की डेट में डिस्कस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि अब जो हिस्टोरियंस हैं 18th सेंचुरी को एक लॉन्ग सेंचुरी मानते हैं। ठीक, उनका कहना है कि देखो 18th सेंचुरी सिर्फ 1700 से लेकर 1799 तक नहीं है, 1701 से लेकर 1799 तक नहीं है, ये 1680 से इसका शुरुआत हमें मानना चाहिए, जब मुगल अम्पायर धीरे धीरे टूटने लग जाता है, जब औरंगजेब का भी रूल था, हम देखते हैं कि हाँ इतना ज़्यादा मनसबदारी सिस्टम अब स्ट्रांग रह नहीं गया था, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आने लग गए थे। अपने मुगल पीरियड पर पढ़ रखा है तो मैं यहाँ पे उतना डिटेल में नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं डगमगाने लग गए थे जो अंतिम साल थे ना औरंगजेब के भी, तो उसको भी दिक्कत आ रही थी, और जो फाइनेंशियली मुगल अंपायर हमेशा से स्ट्रांग रहता था वो उतना स्ट्रांग रह नहीं गया था लास्ट आते आते। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हो गए थे, बहुत परेशानियां आ रही थी, तो लेकिन 1720 आते आते कई सारे रीजनल जो पावर्स थे वो अपने आप को संभाल लेते हैं, औरंगजेब के डेथ के बाद फिर कई सारे रीजनल पावर्स उभरती है, और वो लोग जो रीजनल पावर्स थे कहीं ना कहीं अपने अपने एरियाज में स्टेबल हो जाते हैं, है ना, पावरफुल बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं 1750s में तो बहुत कुछ होता है कि एक कंपनी, छोटी सी कंपनी जो थी वो पावर में आ जाती है ज़बरदस्त तरीके से, और वो धीरे धीरे क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे 18th सेंचुरी में दूसरे जो थे उन सब पे कब्जा करने लग जाती है। पहले उन्होंने फ्रेंच को भगाया, फिर उन्होंने मराठास पे कब्जा किया, है ना, फिर धीरे धीरे जो लोकल छोटे छोटे थे उन सब पे कब्जा किया। अभी हम पढ़ेंगे ये सब, तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग तो, बट अभी आप जान लो कि 1763 में पावर आने के बाद ब्रिटिशर्स ने ये सब किया, आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये सारा प्रोसेस कब तक चलता रहा, 1820s तक चलता रहा, जब पूरे के पूरे पावर में आ गई कंपनी, पूरे इंडिया पे पावर कंट्रोल कर लेती है, जब ज़्यादातर जो इंडिजीनियस थे वो लोग सब्सिडी अलायंस वगैरह के तहत कंपनी के अंडर आ जाते हैं, अपना हथियार डाल देते हैं। तो ये सब प्रोसेस करते करते कंपनी को 1820 तक वो पूरे पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए हिस्टोरियंस जो है 18th सेंचुरी को एक लॉन्ग सेंचुरी मानते हैं, जो 1680s से स्टार्ट होकर के 1820s तक जाती है उनके हिसाब से। ठीक, इस ज़माने में बहुत सारे इकोनॉमिक भी चेंजेस आए, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा ही है इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा उस ज़माने में सोशल लाइफ पे। ठीक, तो सोशल इकोनॉमिकली भी सोशली भी बहुत सारे चेंजेस आए होंगे उस ज़माने में, आप सोच सकते हो उस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो। ठीक है, और क्या है इसमें टॉपिक, कुछ बस इतना ही।
तीसरा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर, ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है ना, ये इसमें हम इकोनॉमी की बात करते हैं ठीक, कि इंडिया एज ए इकोनॉमी किस तरीके से उभरता है। अब देखो हम भले ही बात कर रहे हैं कि हाँ यार हमने देखा कि मुगल अंपायर का पतन होने लग जाता है और एक कंपनी पावरफुल बन जाती है और वो कब्जा करने लग जाती है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा उस जमाने में, तो ऑब्वियसली बात है टैक्सेस वगैरह बढ़े होंगे, सोशल इम्पैक्ट, सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया होगा। लेकिन उसी तरफ अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो ना, कॉमर्स की बात करो, इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे क्या चल रहा था उस जमाने में, इंडिया और इंटरनेशनल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या इंटरेक्शन था वो देखना अगर हम चालू करें, तो देखो इंडिया जो था हमेशा से अपने सर्विसेज और गुड्स वगैरह भेजता रहता था यूरोप वगैरह में, वाया कहाँ से, आपका जो आज भी है मेडिटेरेनियन के थ्रू होते हुए यूरोप जाता था और अरब के रास्ते होते हुए वेस्ट एशिया के थ्रू होते हुए जाता था हमेशा से। लेकिन अब क्या हो रहा था, यूरोपियंस आ गए थे है ना, और उन लोगों ने कब्जा कर लिया था, खास करके पहले कौन आया, पुर्तगाली वगैरह, उनका अरब सागर में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो पहले है ना, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, आगे भी पढ़ोगे पुर्तगालियों के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में दे दूँ आपको, पुर्तगालियों ने एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया था इधर में, और जो इंडियंस थे उनको टैक्स वगैरह देना पड़ता था और उन्हीं के पोर्ट्स वगैरह पे जाना पड़ता था। एक्चुअली उन्होंने सिर्फ टैक्सेशन वगैरह के थ्रू ही कमाना शुरू किया था पुर्तगालियों ने, मतलब ट्रेड का ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है, ये भी हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ गया था कि हाँ भाई हमारा तो ट्रेड ही बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ था, बट हाँ बहुत सारे चेंजेस ला चुके थे वो, कि जैसे कुछ एक जो हम एक्सक्लूसिव चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे है ना, हमारे ट्रेडर्स जाते थे गुजराती भाई जो जाते थे लेकर के, उसकी जगह पे वो यूरोपियंस डील करने लगे उन चीज़ों में, और उन्होंने हमें फोर्स करने लगे कि अब तुम ना कहीं वेस्ट एशिया से ईस्ट एशिया में हमारे गुजराती भाई वगैरह अपने फोकस करने लग सकते हैं, ईस्ट एशिया मतलब आपका है इंडोनेशिया वगैरह जो एरिया है ना, इस साइड में ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, हालांकि बंद तो नहीं होता कम्प्लीटली, हम अफ्रीका को भी भेजते थे कपड़ा वपड़ा डायरेक्ट, जो आप जाने अनजाने देखोगे इस साइड का एरिया डायरेक्ट जो गुजरात के, हम उधर भी भेजते थे, और मिडल और जो मेडिटेरेनियन की तरफ रास्ता जाता है, मैं आपको मैप्स के थ्रू दिखाता हूँ, एक सेकंड ना आप उधर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक सेकंड गूगल मैप खुल जाओ, एक सेकंड मैं अभी आपको इंडिया का मैप जो मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखिए अभी देखिए क्या होता है, ट्रेड पहले कहाँ से होता था, आज भी यही होता है, पहले ट्रेड इस तरीके से जाता था अरेबियन सी से होते हुए गल्फ ऑफ अदन से होते हुए मेडिटेरेनियन चल जाता, वहाँ से यूरोप चल जाता था है ना, तो हम क्या करते थे यहाँ से, हम ज़्यादातर टाइम हम ये जो मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के लोग थे इन लोगों को सप्लाई करते थे और फिर ये आगे बेच देते थे है ना, या फिर इधर पाकिस्तान से होते हुए ईरान वगैरह जाता था और टर्की वर्की के जो अपने एजेंट थे वो लोग अपना फिर वहाँ बेच के फिर वो आगे चल जाता था, इस तरीके से हमेशा से होता रहा था। सॉरी फ्रेंड्स, अचानक पावर सप्लाई ख़त्म हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी लैपटॉप की तो कट गया था, यानी बस मैंने ये दोनों वीडियो ज्वाइन कर दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि देखिए यहाँ से ना पहले भी यही होता था, गुजरात वगैरह से पोर्ट से डायरेक्ट जाता था या तो गल्फ ऑफ ओमान वगैरह होते हुए भेजते थे हम मेडिटेरेनियन में और फिर फर्दर यूरोप जाता था, बीच में बहुत सारे एजेंट्स होते थे, कई बार ग्रीस के एजेंट्स, टर्की के एजेंट है ना, इटली के एजेंट वगैरह थे, या फिर हम दूसरा रास्ता क्या करते थे, यहाँ से हम गुजरात से डायरेक्ट इस साइड भी भेजते थे अफ्रीका में है ना, तंजानिया केन्या वगैरह इथियोपिया वगैरह, यहाँ भी हमारा डायरेक्ट ले जाता था, यहाँ हम कपड़े भेजते थे, खाना भेजते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल भी लेके आते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, इस पूरे अरेबियन सी के एरिया पे कब्जा कर लिया, उन्होंने मॉरिशस वगैरह में बेस बना लिया है ना अपना, और ये जिबूती वगैरह में भी बना लिया, गल्फ और अदन वगैरह की तरफ भी बड़ा बेस बना लिया, तो इस तरीके से इम्पैक्ट होने लग गया गुजरात के, गुजरात के जो हमारे भाई वगैरह थे ट्रेड करते थे उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होना शुरू हो गया, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, अपना फोकस ईस्ट एशिया की तरफ फोकस बढ़ा दिया ठीक, और मलेशिया वगैरह सिंगापुर वगैरह की तरफ ज़्यादा फोकस कर दिया और इधर से ट्रेड ज़्यादा होता था ठीक है ना, तो उन्होंने तो 18th सेंचुरी में ये भी हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लोबल इम्पैक्ट था
इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो हमारा इंट्रैक्शन था इंडियन इकोनॉमी का, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, लेकिन ये चेंजेस इतना नहीं था कि हमारी इकोनॉमी को कुछ भी डीप इम्पैक्ट हो सके, जैसा कि हम बाद में देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इकोनॉमी को बिल्कुल ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन 18th सेंचुरी में ऐसा कुछ नहीं था, और उल्टा जो था कि जो हमारे गुड एंड सर्विसेज थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे यूरोप जाने के लिए, ठीक है, यूरोप बहुत ज़्यादा जाना लग गया था हमारा, और बहुत ज़्यादा इनकम आने लग शुरू हो गई थी इंडिया में, और ये हमारे लिए एक बूम का ही पीरियड आप कह सकते हो। 18th सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा बूम का पीरियड था, जब हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का पूरा पार्ट बन चुके थे, और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स जाता था बाहर, और उसके एवज में बहुत ज़्यादा पैसा आता था, पैसा इन द फॉर्म ऑफ बुलियन आता था, है ना, और ये बहुत ही प्रॉस्परस पीरियड था, और इसलिए ये डिबेटेबल भी है कि आप इस पीरियड को किस तरीके से देखना चाहते हैं, इकोनॉमिक बूम के तरीके से देखना चाहते हैं, या फिर कैओस के तरीके से देखना चाहते हैं, या फिर सोशल लाइफ जो इम्पैक्ट हुई वॉर्स वगैरह के कारण ब्रिटिशर्स की, उस तरीके से देखना चाहते हैं, या मुगल का जो पतन हुआ उस तरीके से देखना चाहते हैं। तो ये 18th सेंचुरी इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिबेटेबल रही है हमेशा से हिस्टोरियंस के बीच में, और आगे भी रहेगी। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी एक अपना व्यू बनाओगे धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री पढ़ के, तो आप हो सकता आप भी लिखें किताब, तो हम आपके भी रिव्यू, आपके भी व्यू सामने आएंगे, है ना। तो ये एक इतना था टॉपिक्स जो आपके बुक में दिया हुआ है, एंड आई थिंक इतना मोर देन इनफ है आपके एग्जाम में कुछ भी लिखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार बनाए रखेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।